जो आवाज हमेशा उन तमाम लोगों की आवाज बनती है, जो गरीबों की आवाज हो, जो वंचितों की आवाज हो, जो दलितों की आवाज हो, जो महिलाओं की आवाज हो, जो किसानों की आवाज हो, मजदूरों की आवाज हो, वो आवाज जाने को मिल रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव इंडिया। मैं हूं आफ्ताब आलम, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अभी हमारे साथ मौजूद है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष एवं महागठबंधन से जाले विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी डॉक्टर मशकूर अहमद उस्मानी। सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपको महागठबंधन ने अपना उम्मीदवार बनाया वहाँ से, तो कितने उम्मीद पर खड़े उतरेंगे वहाँ से? देखिए, महागठबंधन पूरी उम्मीदों के साथ और पूरे प्रदेश की जनता के समर्थन के साथ चुनावी मैदान में उतरी है और मुझे पूरा यकीन है कि ऐतिहासिक जीत दर्ज करेंगे और महागठबंधन के तमाम लोग जीत के आएंगे और ख़ास तौर से मिथिलांचल के इलाके के तमाम लोग बाहरी बहुमत से जीत के आएंगे, अपार बहुमत से। क्योंकि जनता के बीच में असंतोष आ चुका है सरकार को लेकर, क्योंकि ये जो सरकार है वो चोर दरवाजे से बनाई गई सरकार है। जनमत का जो है वो समझिए बलात्कार किया है, उसके बाद इस सरकार को बनाया गया है। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि अब जनता त्रस्त हो चुकी है। न शिक्षा के फील्ड में कोई काम हुआ है, न स्वास्थ्य के फील्ड में कोई काम हुआ है। एक दिन पानी अगर ढंग से बरस जाए तो पटना के अंदर, पटना क्या है, बिहार की राजधानी, बिहार की राजधानी में जो हॉस्पिटल NMCH उसका ICU में चला जाता है, ठेवना ठेवना भर पानी लग जाता है। ये बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था है। जाले के अंदर चल के देखिए, एक एक आपको मैं चल के दिखाता हूँ, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, APHC दिखाता हूँ, जर्जर हालत में है, बिल्कुल दीवारें टूट चुकी हैं, ऐसा लग रहा है कि प्लास्टर किए हुए 50 साल हो गया है और रंग तो कभी उस पर हुआ ही नहीं और डॉक्टर तो कभी आता ही नहीं। ऐसा सिर्फ जाले में ही नहीं है, बिहार के अन्य जगहों, पूरे बिहार की यही बात मैं बता रहा हूँ ना। NMCH के ICU का यह हाल है तो PHC का क्या हाल होगा, वो मैं बता रहा हूँ। खासतौर से चूंकि मैं जाले विधानसभा का प्रत्याशी हूँ तो मैं जाले की बात आपको बता रहा हूँ। शिक्षा व्यवस्था के नाम पर जाले के अंदर जो है लिटरेसी रेट जो है वो 60% के आसपास है। मतलब आज़ादी के 70 साल बाद हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के 40% लोग वो लिखना पढ़ना नहीं जानते, वो किसी एक लैंग्वेज में भी अपना साइन करना नहीं जानते। आप सोचिए कि हम किस अंधकार में जी रहे हैं, कौन सा अंधकार में जी रहे हैं। इस अंधकार से किसी भी राजनेताओं ने हमें नहीं निकाला। सबसे पहला काम यह होगा कि एक एक बच्चों को हाथ पकड़कर उनकी उंगली में कलम पकड़ाने का काम करेंगे, बेहतर स्वास्थ्य के लिए काम करेंगे कि जाले की जनता को कहीं बाहर नहीं जाना पड़े इलाज कराने के लिए। और पटना से पटना के अंदर आप देखिए कि किस तरह से PMCH और NMCH का हाल है, इसी तरह से दरभंगा देख लीजिए, इतना बड़ा पूरा सेंटर माना जाता है नॉर्थ बिहार का, DMCH का हालत देख लीजिए, ठेवना भर पानी और तमाम आवारा पशु इसमें घूमते रहते हैं, तमाम जानवर इसमें घूमते रहते हैं जिनसे इन्फेक्शन होता है। डॉक्टर होने के नाते मैं आपसे बता रहा हूँ और आप जाके देख लीजिए, अगर आपको लगता है कि मेरी बात झूठी है तो आप आज जाइए, अभी जाइए और वेरीफाई करके आइए, आपको दिख जाएगा कि दरभंगा के अंदर स्वास्थ्य व्यवस्था क्या है, जुमले पे जुमला है। 2014 में एक एम्स दिया, 2014 में एक एम्स दिया गया, 2015 में दूसरा एम्स दिया गया, 2020 में तीसरा एम्स है। तो आप समझ लीजिए कि चुनावी घोषणा में एम्स याद आता है, ठीक है, लेकिन धरातल पे कुछ नहीं याद आता है। 2 साल से मैं सुन रहा हूँ कि दरभंगा के अंदर एयरपोर्ट आएगा, 2 बार टिकट बुक हो गया है, ठीक है, और प्लेन ही नहीं चली है। तो ये सिर्फ और सिर्फ आश्वासन पर चलती है सरकार, ये जो है जनता समझ चुकी है। 2000 किलोमीटर पैदल चलकर लोग आए हैं, गरीब मजदूर, उनका कोई पुरसान हाल नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं था, हम उन लोगों के लिए खड़े हैं, हम उनकी आवाज बुलंद। बिहार विधानसभा चुनाव में आप भागीदारी देने के लिए जाले विधानसभा को ही क्यों चुना? जाले विधानसभा को इसलिए चुना क्योंकि जाले विधानसभा हमारी विधानसभा है, हम दरभंगा के रहने वाले हैं और इसीलिए हमने जाले विधानसभा को चुना। क्योंकि हमारे तमाम शुभचिंतक ये चाहते थे, तमाम जाले की जनता ये चाहती थी कि मैं वहाँ से चुनाव लड़ूँ, इसीलिए मैंने अपनी दावेदारी पेश की। और आदरणीय राहुल जी का बहुत बहुत शुक्रिया, श्रीमती सोनिया गांधी जी का बहुत बहुत शुक्रिया और बिहार प्रदेश के तमाम सीनियर लीडर्स का और तमाम कार्यकर्ताओं का, हमारे शुभचिंतकों का शुक्रिया कि उन्होंने हमें हिम्मत दिलाई और तमाम पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में हमारे ऊपर जो है भरोसा किया। वहाँ पे जो कुछ लोग अपोज कर रहे हैं कि स्थानीय नेता चाहिए, उनको कैसे समझाएंगे? भाई, हम कोई लंदन से आए हैं क्या, ये बताइए। मेरी पढ़ाई यहीं से हुई है, दरभंगा से, केंद्रीय विद्यालय से मैं पढ़ा हूँ, मेडिकल की पढ़ाई करने अलीगढ़ गया, छात्र संघ का चुनाव लड़ा, जीत के आया, मिथिला का बेटा हूँ, दरभंगा का रहने वाला हूँ। अगर मैं बाहरी हूँ तो भाई कौन है अंदर का, मुझे ये बता दीजिए। ये एक बीजेपी का प्रोपेगेंडा है, बीजेपी अपनी मशीनरी का इस्तेमाल करती है, बहुत सारा प्रोपेगेंडा चलेगा। जाले की जनता जानती है कि इस प्रोपेगेंडा में नहीं फंसना है। जाले की जनता को मालूम है कि एक मजबूत आवाज़ उनके बीच आ चुकी है, जो आवाज़ हमेशा उन तमाम लोगों की आवाज़ बनती है
जो गरीबों की आवाज़ हो, जो वंचितों की आवाज़ हो, जो दलितों की आवाज़ हो, जो महिलाओं की आवाज़ हो, जो किसानों की आवाज़ हो, मजदूरों की आवाज़ हो, वो आवाज़ जाले को मिल रही है और जाले की जनता तमाम तरह से खुश है। अलग बात है चुनाव में बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं, हमने भी अप्लाई किया, 29 लोगों ने और किया, लेकिन पार्टी सिंबल किसी एक व्यक्ति को देती है। 29 लोगों को सब्र करना पड़ता है, उनको ये समझना पड़ता है कि किसी एक ही को चुनाव लड़ना है। अगर मुझे नहीं अगर सिंबल मिलता तो हो सकता है कि मैं भी थोड़ा निराश होता, लेकिन निराशा वक्त की होती है। सब लोग महागठबंधन को जिताने की तैयारी कर चुके हैं और आपके माध्यम से उन तमाम लोगों तक मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आपका छोटा भाई है हूँ मैं, ठीक है, और मेरे हाथों को मजबूत कीजिएगा तो कभी भी आप अपने आप को अकेला महसूस नहीं कीजिएगा। आपके यहाँ जो अभी विधायक हैं उनको जिताने के बाद भी आप अकेला महसूस करते हैं और मुझे आप चुनाव लड़ा के ही आप जो है अब ये समझेंगे कि आपको एक बहुत बढ़िया जो है नेता मिल गया अपने क्षेत्र के लिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे डॉक्टर मशकूर अहमद उस्मानी जो अपनी बात बेबाकी से रख रहे थे। फिर मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, धन्यवाद। सरकारी संस्थान से BCA तथा BBA करने वाले छात्रों के लिए आवश्यक सूचना। जी हाँ, जो छात्र CM कॉलेज दरभंगा में BCA तथा BBA में एडमिशन कराना चाहते हैं, एडमिशन के लिए आवेदन तिथि निकाली जा चुकी है। एप्लीकेशन फॉर्म जमा करने की तिथि 22 सितंबर से 19 अक्टूबर 2020 तक है। 28 अक्टूबर को लिखित टेस्ट लिया जाएगा तथा 1 नवंबर को वाइवा लिया जाएगा। 12 नवंबर को कॉलेज के द्वारा मेरिट लिस्ट घोषित किया जाएगा। 23 नवंबर से 28 नवंबर तक नामांकन लिया जाएगा। 3 दिसंबर 2020 से 10:30 बजे सुबह से वर्ग संचालन होगा। BCA में नामांकन कराने हेतु इंटरमीडिएट में कम से कम 45% मार्क्स के साथ आर्ट्स साइंस एंड कॉमर्स विथ मैथमेटिक्स। वहीं BBA में नामांकन कराने हेतु इंटरमीडिएट में कम से कम 45% मार्क्स के साथ आर्ट्स साइंस एंड कॉमर्स होना अनिवार्य है। आपको बता दें कि कुल सीटें BBA तथा BCA में 60-60 हैं।